हेलो एवरीवन, सो टुडे इज द 15th डे ऑफ डेली एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस। बिफोर वी स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई हैव टैबुलेटेड सम ऑफ द फैक्ट्स, सो वी विल हैव अ लुक ओवर इट एंड देन वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो टोटल इंडियन हिस्ट्री है उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद जो होगा हम करंट अफेयर्स पे वापस लौटेंगे और उसको रिवाइज भी करेंगे और नया कुछ फैक्ट है उसको भी देखेंगे। तो बेसिकली द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई हैव डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। पहला है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, दूसरा है प्री नेशनलिस्ट फेज, तीसरा है नेशन इन मेकिंग और चौथा है गांधीयन मास मूवमेंट। ये चारों फेज में मैंने टैबुलेट करके दो चीज निकाला है, पहला है इवेंट्स, दूसरा है पर्सनैलिटी। तो पहला देखते हैं जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे। पहला ब्रह्मो समाज फॉर्म हुआ था, कब हुआ था, 1828 में। किसने किया था, राजा राममोहन रॉय ने, ये सबको पता होगा। उसका सती जो है अबॉलिश हुआ था, कब हुआ था, 1829 में। किसने किया था, विलियम बेंटिक ने। उसके बाद वीडो रीमैरिज एक्ट आया था, कब आया था, 1856 में आया था। इसी तरह सत्य सोडक समाज जो है उसके फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुले थे। और वीडो रीमैरिज एक्ट जो लाया गया था उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल रोल किसने प्ले किया था, विद्यासागर ने किया था। उसके बाद आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती से एसोसिएटेड है, ये 1875 में फॉर्म हुआ था। रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद से एसोसिएटेड है। और वैसे ही मैंने पर्सनालिटीज लिख दिए नीचे, राजा राममोहन रॉय, विलियम बेंटिक, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली फीमेल टीचर थी। अच्छा, यहाँ लोक हितवादी लिखा हुआ है, तो ये लोक हितवादी कौन थे, आप नीचे कमेंट में करके बताइएगा कि किनको लोक हितवादी बोलते हैं। और उसके बाद अंबेडकर के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। और एक सत्याग्रह है, महद सत्याग्रह, वो भी इनसे एसोसिएटेड है, ये ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के फाउंडर थे, इन्होंने बोला था बैक टू वेदास। नाउ कम टू प्री नेशनलिस्ट फेज, यानी कि अभी इंडिया का कंसेप्शन नहीं हुआ है, इंडिया जो है डिवाइडेड है अलग अलग राज्यों में, मतलब नेशनल यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो उसमें क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कब हुआ था, 1757 में। किसने किसको हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था किसने, लॉर्ड क्लाइव ने, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है। दूसरा जो है बैटल ऑफ बक्सर, इसमें हुआ था बेसिकली तीन लोग थे, सुजाउद्दौला ऑफ अवध, देन बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम वो था, और शाह आलम टू जो कि मुगल राजा था वो था। यानी कि तीनों लोग का फाइट हुआ था हेक्टर मुंडो से और हेक्टर मुंडो जीता था, कब हुआ था, 1764 में हुआ था। उसका संथाल रिबेलियन मैंने बताया था, ये कब हुआ था, संथाल रिवोल्ट, ये हुआ था जस्ट एक साल पहले यानी कि 1856 में। और इसके लीडर कौन थे, सिद्धू एंड कान्हू। उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में भी बताया था मैंने, उनको धरती आबा कहते हैं। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं या इंडियन म्यूटिनी भी बोलते हैं। उसके बाद एक कमीशन आया था जिसका मैंने जिक्र किया था, पील कमीशन, उसके लीडर्स जो हैं वो भी मैंने सारा बता दिया था, ऐसे कुंवर सिंह याद रखिएगा, वक्त खान याद रखिएगा, और भी बहुत, बेगम हजरत महल है, फिर से रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनकी लड़ाई होगी ह्यूज रोज से। नाउ कमिंग टू इंडिगो रिवॉल्ट, दैट हैपेंड इन बंगाल इन द ईयर 1859 एंड हु रोट अ प्ले ओवर दैट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हु रोड द प्ले, दीनबंधु मित्रा रोड द प्ले, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू नेशन इन मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी कब हुआ था, 1885 में हुआ था, ये पता होना चाहिए। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी मूवमेंट उसी के जस्ट एक साल बाद होगा, 1906 में। और सेपरेट इलेक्टोरेट यानी किनके लिए, मुस्लिम्स के लिए, कब लाया गया था, 1909 में। उसके बाद है जलियांवाला बाग, कब हुआ था, 1919 में, 13 अप्रैल। अब नीचे देखिए, दादा भाई नौरोजी का नाम है, यानी कि इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था। लेकिन लॉर्ड डफरिन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस जब फॉर्म हुआ था कौन जो है गवर्नर जनरल था, और दादा भाई नौरोजी ने जो बुक लिखा था उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब लॉर्ड रिपन कौन था, इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, जो बंगाल था उसका डिवीजन किया था, और भी बहुत काम किए थे लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाल बाल पाल में आप तीनों को जानते हैं,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एनी परसेंट जो है वो क्यों फेमस है? बिकॉज शी बिलोंग टू थियोसॉफिकल सोसाइटी, शी लेड अ मूवमेंट बाय द नेम होम रूल लीग मूवमेंट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, जबकि पहली महिला इंडियन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू थी। गांधीयन मास मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में हुआ था। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। और लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया था और बोला गया था कि अगले साल 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को, हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। फिर से डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। नेहरू के बारे में आप जानते होंगे, पटेल के बारे में जानते होंगे, सरोजनी नायडू मैंने बता दिया, जेबी कृपलानी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड मौलाना आजाद इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ही वॉज आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, व्हाट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी लॉन्च्ड आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया? सो ही वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड लिव देयर, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत काम किया था। तो वहाँ से जब ये लौटे तो पहला जो इनका इंगेजमेंट हुआ यहाँ के पॉलिटिक्स में, वो क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। जबकि उसके बाद खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी इन्होंने अपना मेथड जो है अप्लाई किया था। बारदोली सत्याग्रह जो है उससे एसोसिएटेड कौन है? उससे एसोसिएटेड है सरदार पटेल। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। और वहीं पे बारदोली के लोगों ने सरदार पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। और इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1940 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था तब। अब देखिए, गांधी जी और गांधी रिकॉल्ड नन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ, उसको क्यों खत्म कर दिया गया? तो पहला बोलता है काकोरी रॉबरी, दूसरा बोलता है सॉन्डर्स मर्डर, तीसरा बोलता है चौरी चौरा इंसिडेंट, और डी बोलता है दर्शाना साल्ट मिल इवेंट। तो काकोरी रॉबरी आप सबने देखा होगा, रंग दे बसंती देखा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सॉन्डर्स मर्डर क्या था? ये लाहौर में हुआ था, रंग दे बसंती में दिखाया भी है कि वो लोग जाके उसको मार देते हैं। तो ये जो मारते हैं ना, क्यों मारते हैं? क्योंकि लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो सॉन्डर्स ने उन पर लाठी चार्ज किया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। सो दिस इज अ फैक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट। देन कमिंग टू सी, चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि सही आंसर होगा इसका। उसके बाद है दर्शाना साल्ट मिल इवेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड इफ यू हैव सीन द मूवी गांधी, देन इन दैट मूवी दिस इवेंट हैज बिन शोन। उसमें बताया गया है कि दर्शना साल्ट वर्क जब एक फैक्ट्री था, वहां पे लोग पीसफुल सत्याग्रह प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको बहुत बुरी तरह पीटा गया था। उसके बाद है कि द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई, तो दो लोग इंस्ट्रूमेंटल थे इसके फॉर्मेशन में, एक थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे कौन थे? पहला बोलता है सुभाष बोस, दूसरा बोलता है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा बोलता है सी आर दास, और चौथा बोलता है सजानंद सरस्वती। तो सुभाष बोस की जो पार्टी थी, बाद में उन्होंने खोला था कांग्रेस से अलग होके, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था सी आर दास के साथ मिलकर, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है सहजानंद सरस्वती, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके लिए, क्योंकि किसान सभा मूवमेंट एक मूवमेंट था जिसको इन्होंने फाउंड किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 34th पे। ये बोलता है हु वॉज पॉपुलरली नोन एज दीन बंधु। अब इसमें क्या है ना, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं दो टर्म्स में, एक दीन बंधु और दूसरा देश बंधु। मतलब देश बंधु को दीन बंधु बना देते हैं और दीन बंधु को देश बंधु, इसलिए मैंने दीन बंधु बोला है। देश बंधु अगर होता यहाँ पे तो क्या आंसर हो जाता? डी, यानी कि चित्तरंजन दास या फिर सी आर दास, उनको देश बंधु बोलते थे। लेकिन दीन बंधु किसको बोलते थे? सी एफ एंड्रयूज को बोलते थे। अगर आपने गांधी मूवी देखी होगी तो उसमें चार्ली का रोल जो है, गांधी जी उनको चार्ली बोलते थे, तो वो सी एफ एंड्रयूज हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सी एफ एंड्रयूज जो थे वो एटक, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस के भी हेड रह चुके हैं। उसके बाद है गोपाल हरि देशमुख, जैसा मैंने बताया था पहले कि इनको लोकहितवादी बोलते थे, और ये महाराष्ट्र या बॉम्बे उस समय बोलते थे, उसके बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे।
उसके बाद सी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव बोलते थे। अब आते हैं 35th पे। ये बोलता है पूना पैक्ट ऑफ 1932 वॉज रिलेटेड टू द इशू ऑफ, पहला बोलता है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, दूसरा बोलता है डिप्रेस्ड क्लास मतलब ये उनसे रिलेटेड था, तीसरा बोलता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स और लास्ट बोलता है टेनेंट फार्मर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप्रेस्ड क्लास होगा। दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और ये अंबेडकर और गांधी में पहले कॉन्फ्लिक्ट, तो गांधी जो है फास्ट पे चले गए थे तो अंबेडकर उनको मनाए बाद में जाके, तब वापस ये डिप्रेस्ड क्लास को जो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट किया जा रहा था उसको रोका गया और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। देन 36th बोलता है क्विट इंडिया मूवमेंट टुक प्लेस आफ्टर द फेलियर ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा नेगोशिएशन काम नहीं कर पाया जिसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। तो हम नीचे से देखते हैं कि जैसे ही बोलबाला शुरू होता है तो सबसे पहला ऑप्शन जो इंडिया को दिया जाता है वो होता है अगस्त ऑफर, और इसमें डोमिनियन स्टेटस को पहली बार मेंशन किया जाता है। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या होता है? जो वार कैबिनेट होता है चर्चिल का, उसके मेंबर होते हैं क्रिप्स, उनको भेजा जाता है कि आप जाइए नेगोशिएट कीजिए इंडिया के साथ और इंडिया का समर्थन लीजिए वार एफर्ट्स में। वो आते हैं, प्रपोजल लगते हैं, मार्च में आते हैं, बाद में अगस्त तक प्रपोजल लगते हैं, प्रपोजल किसी को अच्छा नहीं लगता है, तब जो है अगस्त ही में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है शुरू। उसके बाद एक और कोशिश होती है वेवल द्वारा, वेवल समय के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा, लेकिन वो काम नहीं कर पाता है। और लास्टली क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है जो कि 3 मेंबर बॉडी था। ये इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन वॉज अ 3 मेंबर बॉडी, और उसमें कौन कौन थे? एक तो क्रिप्स खुद थे, दूसरे थे पेथिक लॉरेंस और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर, एंड पेथिक लॉरेंस वॉज द हेड ऑफ दैट मिशन। फिर से बोलता हूँ, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसके 3 मेंबर्स थे। कौन कौन थे? पेथिक लॉरेंस वॉज द हेड, देन स्टैफर्ड क्रिप्स, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर। अब हम आगे जाते हैं, ये है 37th। हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी? तो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी बोलते हैं, महात्मा भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि इनको टाइटल फादर ऑफ नेशन किसने दिया, इनको टाइटल महात्मा किसने दिया, है कि महात्मा टाइटल किसने दिया? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगर ये पूछता है कि महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ नेशन किसने बोला था, तो उसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। तो यही है कन्फ्यूजन जो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38th। ये बोलता है फिकी वॉज फाउंडेड इन 1928 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसने एडवाइज किया था कि कैपिटलिस्ट जो है इंडियन कैपिटलिस्ट उनका एक बॉडी होना चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो ये किसका रिकमेंडेशन था? पहला है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन बोलता है घनश्याम दास बिरला, तीसरा बोलता है जवाहरलाल बजाज और चौथा बोलता है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। सो ही एक्चुअली टोल्ड ऑल द कैपिटलिस्ट कि आप ऐसा बॉडी बनाइए। अब गांधी को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गांधी मास लीडर थे, वो सबको साथ लेके चलते थे, चाहे वो वर्कर हो, पीजेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबको ही उनके साथ रहते थे। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था गांधी जी के कोटेशन से, तो हम जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो आपको यहाँ बता रहे हैं, लेकिन आपको खुद एक काम करना चाहिए कि गुड रीड्स करके एक वेबसाइट है, गुड रीड्स, उस पर जाइए और गांधी जी का कोटेशन पढ़िए। पहला कोटेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो बोलता है बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे को चेंज करने से पहले हमें खुद को चेंज होना चाहिए जैसा चेंज हम देखना चाहते हैं दुनिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लिव एज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वेयर टू लिव फॉर एवर, यानी कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए जैसे कि हम ये लास्ट दिन है हमारा, इसलिए पूरा इंजॉय करके जीना चाहिए, लेकिन जब सीखना चाहिए तो ऐसे सीखना चाहिए कि हम फॉर एवर के लिए हैं यहाँ, ताकि हम विजडम को अकुमुलेट कर पाए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कोटेशन है एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये सिर्फ ये बता रहा है कि वायलेंस का सॉल्यूशन कभी वायलेंस हो ही नहीं सकता है, कई बार ट्राई किया गया है लेकिन ऐसा नहीं होता है,
जो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू वगैरह। उसके बाद है द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। शायद यही क्वेश्चन था लास्ट ईयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। अब ये जो है ना इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इन्वायरमेंट के ऊपर आपको कोई ऐसे लिखना हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जितने सारे कोटेशंस हैं सबको आप एसेज में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।